देखिए ये घिया है। चलिए हम लोग आज बनाए सिंपल सी सब्जी, ना कोई मसाला, ना कोई तेल और ना कोई झंझट। बिना लहसुन प्याज की घिया की छोंक के सब्जी बनाएंगे हम लोग। तो चलिए इसको हम लोग काटते हैं। हमने पहले इसको धो के और टुकड़ों में काट दिया है कि मुलायम है कि नहीं। ये मुलायम है, ये बनने लायक है। तो चलिए बनाया जाए। तो हम लोग इस तरीके से इसको काटेंगे। एकदम बारीक बारीक एकदम बारीक बारीक हम लोग को काटनी है। पतली पतली बारीक बारीक की ये गलने में देर ना करें। ऐसे ही सबको हम लोग काट लेंगे। देखिए तो हमारे कद्दू पत्ते तैयार हो गए। तो कद्दू को हमने इस तरीके से काटा है, छोटे छोटे टुकड़ों में अबारी। इसमें तड़के के लिए हम लोग को चाहिए पंचफोड़न, कटी हुई हरी मिर्च और हींग, हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। तो हम लोग इसमें लहसुन प्याज नहीं डालने हैं। चलिए तो हम बनाने की ओर चलते हैं। चलिए तो हमारा कढ़ाई गर्म है, उसमें हम लोग डालेंगे तेल। ज़्यादा तेल नहीं डालनी है। जब तेल गरम हो जाए तो हम लोग तड़के को डालेंगे। हमारे तेल गरम हो गई, उसमें डालेंगे पंचफोड़न, हींग और हरी मिर्च। जब हमारा फोड़न जल जाए अच्छी तरह से, उसी में हल्दी डालेंगे, क्योंकि हल्दी को हम लोग हल्का फ्राई कर देंगे, हल्दी कच्चा ना लगे। अब हम लोग डालेंगे कद्दू। स्वाद अनुसार नमक, ज़्यादा नमक नहीं डालने हैं। पानी में डालेंगे, क्योंकि घिया कुछ कुछ पानी छोड़ता है। अब इसको कम फ्लेम पे हम लोग बराबर से ढक देंगे। चलिए तो हम लोग अपना घिया की सब्जी देखिए, ये पानी छोड़ दिया है। हम लोग पकाएंगे, बस मीडियम आंच पे कर देनी है और ढक के देखते के पकानी है। चलिए तो सब्जी को देखा जाए। देखिए हमारी सब्जी बन के रेडी हो गई। अब इसको थोड़ा सा तेज करके उसका जो पानी होगा हम लोग अच्छी तरह से सुखा लेंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे से दबा के हम लोग चिकना कर लेंगे सब्जी को। देखिए तो आज सब्जी
तैयार हो गई। अब गैस को हम लोग बंद करेंगे। देखिए हमारी सब्जी बनके रेडी हो गई। किसी के साथ ये सब्जी खा सकते हैं।